हेलो गाइस, वेलकम टू अलर्ट्स फॉर यू। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट क्लाउड स्किल्स चैलेंज के बारे में, और जिसमें आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मिल सकता है माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्ज़ाम वाउचर, जिससे जो है आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन इजिली रिसीव कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट के बारे में। ये माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट जो है एक इवेंट होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो 2 से 4 नवंबर तक होने वाला है। तो इस दोनों टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट चैलेंज, क्लाउड स्किल्स चैलेंज के बारे में। तो ये क्या है? ये जो मतलब कि एक आप अगर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी एक चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, तो आपको जो है एक माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम वाउचर जो है फ्री में मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट वन चैलेंज एंड अर्न फ्री माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। तो ये आपको वहाँ पे एक एग्ज़ाम वाउचर फ्री में मिलने वाला है, जो कि करीब 4 से 5 हज़ार के बीच आते हैं इंडियन रुपीज़ में। तो आप वो देख सकते हैं जाके, या आप तो जानते ही होंगे कि कितने महंगे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो। तो आप यहाँ से तो मतलब कोर्सेज को तो फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है सर्टिफिकेशन लेने के लिए कुछ पेड करना पड़ता है। उसे वही सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम वाउचर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये चैलेंज जो है क्लाउड क्लाउड स्किल्स चैलेंज जो है माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट का, वो आपको जो है नवंबर 2 से स्टार्ट होने वाला है, और नवंबर 2 से स्टार्ट होके ये नवंबर 30 तक होने वाला है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इजिली। और इसमें क्या है कि अगर आप इसमें इफ़ यू कंप्लीट योर चैलेंज बिफोर इट एंड्स, मतलब 30 से पहले अब अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं, तो जो है आपको वन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम विल बी एसोसिएटेड विथ योर लर्न प्रोफाइल ऑन दिसंबर 7। तो जो है आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्ज़ाम वाउचर है वो आपको जो भी अकाउंट होगा आपका, वहाँ पे जो है 7 दिसंबर को सेंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मतलब कि वेन डज द चैलेंज स्टार्ट्स, तो ये चैलेंज जो है स्टार्ट होने वाला है 2 नवंबर को, जो कि 30 नवंबर तक चलने वाला है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाउ डज द चैलेंज वर्क, ये चैलेंज कैसे वर्क करेगा? तो इसमें क्या है कि देर विल बी 12 चैलेंजेस अवेलेबल टू चूज फ्रॉम, सेलेक्ट द वन चैलेंज दैट्स राइट फॉर यू एंड कम्प्लीट। मतलब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है इस चैलेंज में टोटल 12 चैलेंजेस होंगे, तो आपको उसमें से किसी भी एक चैलेंज को सिलेक्ट करके उसमें से आपको कोई भी एक चैलेंज को कम्प्लीट करना होगा। अगर आप उस एक चैलेंज को कम्प्लीट कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम वाउचर के लिए। तो ये होगा। और इसके मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में हम अगर देख लें तो, और ये कुछ रूल्स हैं यहाँ पे कि द माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे चैलेंज डिटेल्स है, जैसा कि मतलब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, तो वही वही चीज वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि द माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट क्लाउड स्किल्स चैलेंज नवंबर 2021 स्टार्ट्स एट नवंबर 2, 2021 एट 4 PM, ओके, एंड एंड्स ऑन नवंबर 30, 2021 एट 4 PM, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट क्लाउड स्किल्स चैलेंज नवंबर 2021। यू विल बी कॉन्टेक्टेड वाय द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइड विद द फ्री सर्टिफिकेशन डिटेल्स। मतलब आप जो है अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आप कॉन्टैक्ट किए जाइएगा उस ईमेल से, जो जो ईमेल जो है आप रजिस्ट्रेशन टाइम में प्रोवाइड कीजिएगा। तो ये यही चीज़ है बेसिकली यहाँ पे। एंड बाय कंप्लीटिंग वन चैलेंज विद इन द माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट क्लाउड स्किल्स चैलेंज नवंबर 2021, एलिजिबल इंडिविजुअल्स आर इंटाइटल टू वन फ्री माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम। अगर आप मतलब यहाँ पे जो है एक चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो फिर आप जो है वहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम वाउचर सर्टिफिकेशन के लिए अब एलिजिबल हो जाते हैं, आपको एक फ्री में वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफर डिटेल्स यहाँ पे यू कैन ओनली क्लेम वन ऑफर पर पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ चैलेंज यू कंप्लीट। आपको एक ही एग्जाम वाउचर मिलेगा चाहे आप कितनी भी चैलेंजेस को कंप्लीट कर लो, ठीक, ये चीज है यहाँ पे। एंड प्रायर टू रिडीमिंग योर फ्री सर्टिफिकेशन एग्जाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मस्ट चेक विद दियर एम्प्लॉयर्स टू इंश्योर दियर पार्टिसिपेशन इज परमिटेड एंड इट्स अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल पॉलिसीज एंड लॉज। यहाँ पे मतलब कि कुछ प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके लिए दिया गया है कि उनकी वो जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ के मतलब कि जो पॉलिसीज एंड लॉज है वहाँ से मतलब अकॉर्डेंस होने चाहिए, वहाँ पे इसके लिए मना तो नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर दिस एग्जाम ऑफर मे बी रिडीम टू टेक वन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम डिलीवर्ड एट एन ऑथोराइज पर्सन व्यू टेस्टिंग सेंटर और थ्रू अ पर्सन व्यू ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग साइट। ओके, दिस एग्जाम ऑफर इज एग्जाम स्पेसिफिक एंड ओनली रिडीमेबल फॉर सेलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम्स। तो यहाँ पे जो है ये आपको जो एग्जाम वाउचर दिया जाएगा इस एग्जाम मतलब फ्री सर्टिफिकेशन वो कि कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज हैं उस पर ही दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MS 700 मैनेजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम वाइस इंजीनियर विंडोज 10 मैनेजिंग मॉडर्न डेस्कटॉप्स माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिंग 365 सेल्स माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवलपिंग सोल्यूशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटिंग रिलेशनल डेटाबेस ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिर है यहाँ पे कॉन्फिगरिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडवांस्ड सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365 सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी ऑपरेशंस एनालिस्ट माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारे कोर्सेज पे आप जो है रिडीम कर सकते हैं जो भी फ्री सर्टिफिकेशन होगा वो, ठीक। और ये मतलब कि एग्ज़ाम ऑफर जो है रिडेम्पशन जो है वो 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 15 मार्च 2020 को ये कंप्लीट हो मतलब कि एंड हो जाएगा। उसके बाद वो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे कि उस वाउचर से जो है रिडीम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट क्लाउड स्किल्स चैलेंज के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं यहाँ पे लिंक ड्रॉप कर दूंगा। अगर आप अभी देख रहे हैं मतलब अभी स्टार्ट होने से पहले तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और फिर कंट्री सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंट्री और अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उनको एग्री कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसका जब मतलब कि रजिस्ट्रेशन होने लगे स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप ईमेल पे जो है नोटिफाइड कर दिए जाओगे। तो ये चीज़ है, आप ये कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम देखें इसके मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट इवेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि इस इवेंट में जो है बड़े मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो टॉप लीडर्स हैं सीईओज हो गए जैसे बिल गेट्स हुए और भी मतलब कि बड़े बड़े पोस्ट पे जो हैं वो लोग इसमें आएंगे या फिर दूसरी कंपनीज जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज यहाँ पे आएंगे और मतलब कि वो लोग एक अच्छे लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसमें मेरे हिसाब से मैं भी आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, ये जो है 2 से 4 नवंबर तक होने वाला है 2021 में, इसी मतलब कि नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। और इसमें जो एक एक्सप्लोर द लेटेस्ट टूल्स ट्रेनिंग सेशंस टेक्निकल एक्सपर्टीज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड मोर, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो कुछ डोमेन्स हैं आप उसमें मतलब फोकस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑन बोर्ड पे जो होंगे सत्यन अडेला होंगे जो कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट के। एंड उसके बाद फिर वासु जक्कल स्कॉट गुथरी एंड जेम्स फिलिप्स ये सब हैं, ये और भी हैं यहाँ पे एलिसा टेलर एंड जेड एस्पैटरो एंड जुडसन एल्थॉफ, ये सारे हैं यहाँ पे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े पोस्ट पे हायर पोस्ट पे हैं ये लोग। तो ये लोग यहाँ पे ऑन बोर्ड होंगे, आप यहाँ पे जो भी
अपना जो होगा वो मतलब कि अपना जो सेशन सेशन में अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे, जो कि बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। इसमें आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे पूरा एजेंडा दिया हुआ है कि डे वन में क्या होने वाला है, डे टू में क्या होने वाला है, डे थ्री में क्या होने वाला है। मतलब 2nd ऑफ नवंबर, 3rd ऑफ नवंबर एंड 4th ऑफ नवंबर, ये 3 दिन का होने वाला है। तीनों दिन का मतलब यहाँ पे एजेंडा है टोटल, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हैं और इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इसमें। और आप जो है इसमें माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट क्लाउड स्किल्स चैलेंज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सर्टिफाइड जो है वो सर्टिफिकेट मिल रहा है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल रहा है फ्री में, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो हो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।